नहीं कर सकते, वहां रुकना ही नहीं है एक सेकंड के लिए भी, ठीक है। अब ये है, सीधा ही जाना है, ये रोड के लेफ्ट साइड पे ही गाड़ी रख के चलानी है आपको, लेफ्ट ही जाना है, आगे जाके राइट मुड़ना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो सीधा जाओ यहाँ पे, या तो लेफ्ट जाओ सीधा, ठीक है। यहाँ पे साइकिल, ये हॉर्न कंपलसरी, जैसे बताया ना ब्लाइंड बैंड पे, तो अंधा मोड़े नहीं, यहाँ पे हॉर्न बदलना जरूरी है आपको। ये थे आपके मैंडेटरी साइंस, जो ऑर्डर दे रहे थे, जिसको मानना जरूरी है, नहीं मानोगे तो फाइन होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे साइड पे, जो है वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस हमेशा त्रिकोण में होते हैं, ट्राइंगल में, ये आपके आने वाले खतरों के बारे में पहले से आगाह कर देते, चेतावनी दे देते हैं आपको, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा। लेकिन क्या होता है ना, एक अच्छे ड्राइवर की क्वालिटी भी है कि इसको भी हम कंसीडर करेंगे एज ए मैंडेटरी, ऑर्डर देने वाला साइन, हमारे भले के लिए है ना, इसको भी हम बाय ऑर्डर यानी मैंडेटरी साइन मान के ही चलेंगे कि ये भी हमको ऑर्डर दे रहा है तो हम सेफ रहेंगे ज़्यादा। जैसे आगे लेफ्ट हैंड कर्व है, ये आपको पहले ही बता दिया इसने, आप बोलते हैं कि आगे थोड़ा स्पीड स्लो कर लो, आगे टर्न है। राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, हेयरपिन बैंड है ना, इस तरह से रोड जैसा ही फोटो ना, उस तरह से आगे रोड की कंडीशन है, चढ़ान है, ढलान है, आगे जाके रोड पतली हो जाएगी, ये आगे जाके रोड चौड़ी रोड मिल जाएगी आपको, पतला सकरा ब्रिज है या स्लिपरी रोड है या बजरी वाली सड़क है ना, यहाँ पे कंकड़ पत्थर ज्यादा है, लूज ग्रेवल, साइकिल क्रॉसिंग है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं इसको, बच्चे स्कूल है आगे, काम चल रहा है रोड का, या पशु पक्षी पशु जानवर रास्ते पे आते जाते पार करते रहते हैं, वहाँ उसका खतरा है, चट्टान गिरने का खतरा है, आगे नाव है, फेरी है, क्रॉस रोड है, ये गैप इन मीडियन मीन्स डिवाइडर के बीच में जगह है, अगर आपको यू टर्न लेना है तो आगे जाके ये आपको यहाँ पे बता देगा, लेफ्ट साइड रोड, राइट साइड रोड, वाई इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन है ना, तो इस जितने प्रकार के इंटरसेक्शन है वो सब बता देगी। आगे जाके चौड़ी रोड है, राउंड अबाउट है, झुकाव है सड़क पे, हम्प एंड रफ रोड है, बैरियर है, रेलवे क्रॉसिंग है ना। अब ये जहाँ पे अनगार्डेड होगी, जहाँ पे फाटक नहीं होंगे, वहाँ पे इंजन का फोटो लगा होगा, जहाँ पे फाटक होंगे वहाँ पे बैरियर का फोटो लगा होगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ये होते अपने वार्निंग साइंस, ट्राइंगल में रहेंगे, उसको नहीं मानोगे तो फाइन नहीं होगा, लेकिन खतरा अपने आपको जानकारी मिल जाएगी, सुनना मिल जाएगी। अच्छा, ये लास्ट होता है ये इन्फॉर्मेटिव साइंस, जिससे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं है अभी इसका, जब से मोबाइल आ गए हैं, ये साइन पहले के हैं तो पहले यूज़ आते, जैसे पब्लिक टेलीफोन अभी है ही नहीं है ना, पेट्रोल पंप की जानकारी मिल जाती थी इससे हमको, हॉस्पिटल कहाँ नज़दीक में है वो उसका बोर्ड होता था, फर्स्ट एड पोस्ट, खाने पीने का कोई रेस्टोरेंट या रेस्टिंग प्लेस, आगे रोड नहीं है, एक्सीडेंट ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ, ये तो आप लोग भी लगाते ही होंगे ना, ऐसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने रोड साइंस एंड मार्किंग, सिंपल है समझने में, तीन प्रकार के रोड साइंस, बड़ा आसान है समझ में सब। अब आते हैं हम लोग हैंड सिग्नल, जो बहुत ज़रूरी है दिन में, खास करके मोटरसाइकिल वाले। अब दिन में वैसे भी अगर आपने बहुत ज़्यादा सनी डे है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है, किसी ने इंडिकेटर दिया तो वैसे ही दिखाई नहीं देगा है ना। अभी महंगी महंगी गाड़ियों में LED आ रही है, वो एकदम चमकती दिखाएगी, लेकिन सबके पास उतनी महंगी गाड़ी होती नहीं, नॉर्मली रोड पे गाड़ियाँ आपको 80% तो मिलेगी, जिन जनरल गाड़ियाँ हैं, नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, तो उसमें अगर इंडिकेटर दिया ना धूप के टाइम में नहीं समझ में आता है, बेस्ट है आपका इंडिकेशन पीछे वाले को क्लियर होना चाहिए, जो भी आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं और उसको समझ में आना चाहिए, उस तक पहुँचना चाहिए, तभी इंडिकेशन का मतलब। कई बार होता है ना ऐसे लोग इंडिकेटर दे रहे थे, पीछे देखते ही नहीं इंडिकेटर दिया और मुड़ गए, वैसा नहीं करना, इंडिकेशन क्लियर होना चाहिए जिसको हम देना चाह रहे हैं, और आपको कंफर्म होना चाहिए कि मेरा इंडिकेशन पीछे वाले तक क्लियरली पहुंच गया मैसेज, वो आपको इंश्योर करना है। अब आपको मालूम है धूप है, शायद नहीं देख पा रहा होगा मेरा इंडिकेटर, तो हैंड सिग्नल का आपको इस्तेमाल करना है, या किसी ने हैंड सिग्नल दिया तो आपको समझना है, ये एकदम एग्जैक्ट जैसे हैंड सिग्नल होते हैं वैसे बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे ये अभी गाड़ी खड़ी थी इसकी रोड की साइड में, अब ये गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है चालू कर रहा है, और इंडिकेटर से राइट इंडिकेटर भी दे सकता है ये, और ये ऐसे हाथ भी दिखा सकता है ताकि कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी लेके अब रोड पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये राइट टर्न लेना है, इसको राइट टर्न करें, ऐसे हाथ बाहर निकालेंगे तो ये राइट टर्न, लेफ्ट टर्न के लिए कैसे करेंगे,
लेफ्ट टर्न के लिए इंडिकेटर तो दे दिया, लेकिन अभी हाफ सिग्नल भी तो दे रहा है सर, हाफ का सिग्नल ऐसा दे रहा है। लेफ्ट जो दी कहाँ से निकलेगा खिड़की से, हाथ नहीं निकलेगा सर, हाथ लेना ऐसा लगेगा कार में बैठा है तो ये हाथ दोगे कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा सर, राइट साइड से। हाँ वो देखो भाई साहब बता रहे ये कुछ इस तरह से, ये हाथ को लेके ऐसे घुमाना है ठीक है, अरे ऐसे ये ये ऐसा राइट लेफ्ट जाना है ना, ये है ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आएंगे हम रोड मार्किंग पे, रोड पे दिखाओ ना मार्किंग होती है, रोड पे खींची होती है ना लाइन, सफेद लाइन पीली लाइन है ना, ये सारी लाइन होती है ना, उन सब के मतलब जानकारी है सबको उसके बारे में। हाँ चलो एक फटाफट अपन देख लेंगे कौन कौन सी होती है। सबसे कॉमन लाइन ये होती है, ये सिर्फ क्या करती है, लेन डिवाइड करती है, ट्रैवल सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी इधर जा रहा है रोड, ये भी इधर जा रही है, बट ये दो लेन बना दिया इस, लेन लेफ्ट लेन और राइट लेन, ये दो लेन बन गया है इसमें ना। अब हमको कौन सी गाड़ी, अगर कार लेके चलना है तो हमको कौन सी लेन यूज करना है, राइट साइड, कौन सी राइट, ये कार लेके जी, और कौन बताएगा, हाँ लेफ्ट क्या राइट, कभी भी तो ये तो बोलते हैं अपन टू लेन सिस्टम, टू लेन सिस्टम है, थ्री लेन भी होता है फोर लेन भी होता है आगे, ये टू लेन सिस्टम है, टू लेन सिस्टम में भले वो ट्रैक्टर लेके ट्रक लेके चल रहा हो, ट्रॉला लेके चल रहा हो, मोटरसाइकिल लेके चल रहा हो, कार लेके चल रहा हो, जो भी गाड़ी चला रहे हो यही बाजू से जाओगे आप, लेफ्ट से ही जाओगे, ये वाला, ये लेन को क्या बोलेंगे, ओवरटेकिंग लेन। जब हमको ओवरटेक करना है तो इस लेन का इस्तेमाल करेंगे और वापस अपने लाइन में आ जाएंगे, कंटिन्यूस पे चलाना अलाउड नहीं है, ये सिर्फ ओवरटेक करने के लिए यूज करना है और बैक टू अपना लेन ठीक है। थ्री लेन सिस्टम समझो कहीं है, तीन लेन है, तो लाइट मोटर वाइकल कार वाले को किस में चलना है, सेंटर कार वाले को सेंटर, और लेफ्ट में कौन चलेगा, हैवी गाड़ी चलेगी, और राइट वाली अगेन ओवरटेकिंग लेन है ठीक है। अब ये डबल डॉटेड सॉलिड येलो लाइंस, इसका मतलब समझ लो आप सीधे सीधे भाषा में, सीधे सीधे इसमें कि ये है डिवाइडर, ये डिवाइडर है पत्थर वाला डिवाइडर को अपन पार कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में उसको पार नहीं करना है अपने को डिवाइडर, ठीक है ना, ये गाड़ी इधर आ सकती, ये गाड़ी उधर जा सकती, किसी भी सूरत किसी भी कंडीशन में। उसके बाद आता है ये येलो वाइट लाइन सीधी वाली, ये क्योंकि अब ट्रैवल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक गाड़ी आ जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, इसलिए लेन चेंज करना यहाँ अलाउड नहीं है। कभी कभी लेन चेंज कर लेते ना, इधर से आते इधर जाके चल जाते हैं, इधर से जाके इधर से आ जाते हैं, वो अलाउड नहीं है, ओवरटेक करने के लिए कभी कभी पार कर जाते हैं ना, अलाउड नहीं, क्योंकि सेम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी इधर जाने की रास्ता है ठीक है। और ये इस जगह पे अब क्योंकि ये लेन थोड़ी चौड़ी है, ये पतली होगी, उस जगह पे येलो डॉटेड लाइन आती है, ये गाड़ी को या ये गाड़ी को ओवरटेकिंग करना अलाउड है, बट सेफली, जरूरत पड़े तो, नहीं तो नहीं। अब जैसे सामने कोई एकदम हैवी गाड़ी चल रही है जो बड़ा धीरे चल रही है, उस केस में ओवरटेक करना उस केस में अलाउड है, ये अगेन सॉलिड वाली है अलाउड नहीं है, डिवाइडर सॉलिड लाइन देख ली येलो समझ लेना डिवाइडर है, वो किसी भी कीमत पे पार नहीं करोगे, जैसे अब ये इसके साइड सॉलिड है, ये नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे पार, लेकिन ये चाहे तो जा सकता है क्योंकि इसके सब बाजू में ये इमरजेंसी में पार करके ओवरटेक कर सकते हैं, ये वाला नहीं आ सकता
अब जैसे ये पेडेस्ट्रियन के भी रहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे स्टॉप लाइन लगी रहती है, स्टॉप लाइन के पीछे ही गाड़ी रोकना है जनरली। अपने यहाँ कहाँ यहाँ देखा तो कहाँ रोकते लोग देते हैं, यहाँ से भी आगे पार कर देते हैं गाड़ी के ऊपर कितना जहाँ तक येलो लाइन है वहाँ तक नो पार्किंग, उसके बाद आप लगा लो ठीक है। और ये रोड के कॉर्नर में जो लाइन खींची है वो रोड तक, वो रोड का बता रही थी इसके बाद रोड नहीं है, यहीं तक डामर वाली रोड है। ये जाली चौराहे पे जहाँ दिखेगी इस पे एक सेकंड भी गाड़ी रुकाना अलाउड नहीं है। आप यहाँ से आ रहे हो तो पार आपको लगेगा मैं बगैर रुके पार कर जाऊँगा तो ही आपको घुसना, नहीं तो रुकना है। यहाँ एक सेकंड पे भी गाड़ी नहीं रुका सकते, ये एरिया में फाइन हो जाएगा ठीक है। ये गिव वे, जैसे कि देखो ये पक्की सड़क से आ रहा है, ये चौड़ी सड़क है तो पहले इसको यहाँ रुकना पड़ेगा, इनको पहले रास्ता देना पड़ेगा ये रोड वाले को, और फिर ही ये आगे जा सकता है, उसके पहले नहीं जा सकता। ट्रैफिक लाइट बड़ा आसान है समझने के लिए, लाल येलो और हमने येलो भी देख लिया, रुकने के लिए तैयार होना है। सेम पेडेस्ट्रियन के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, लाल मतलब रुको और हरा मतलब चलना। फ्लैशिंग लाइट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रात के समय में होती है ना फ्लैशिंग, येलो भी होती है रेड भी होती है। फिर आप जब जा रहे हो सामने येलो लाइट फ्लैश हो रही है तो क्या करूँ, क्रॉसिंग हो सकता है। हाँ नहीं तो रात को सिग्नल बंद हो जाएगा, स्लो एकदम रुक के देखो, और लाल फ्लैश हो रही है तो रुक के जाओ, रुकना ही पड़ेगा देखना फिर जाओ। येलो मतलब नहीं रुकना धीरे होना है, लाल मतलब देख के जाना ठीक है। ये कवर नहीं करेंगे अपन, थोड़ा फटाफट करना होगा तो आपको भी जाना है। देख लेंगे कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के मुख्य कारण क्या क्या है ठीक है। ये नया टॉपिक है भाई।